नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गुड़, ये गन्ने से बनाया जाता है और ये गुड़ बहुत ही गुणकारी है। बकरियों के लिए और हम इंसानों के लिए बहुत ही गुणकारी है। बकरियों के लिए तो इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है, इतना इसके फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको जो मालूम होना चाहिए कि जो जितना ही गुणकारी होता है उसके अंदर उतना ही अवगुण होता है। कहने का मतलब कि जिस जो सबसे अच्छा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबियां होती है। तो पहले जिसके ऊपर बात करें दोस्तों, पहले बात करते हैं गुड़ के अच्छाई पर। बकरियों को कहाँ क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे इसके दुष्परिणाम क्या हैं और इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये भी ख्याल आपको रखना है। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार मौर्य बी एन एस गोल्ड फार्म से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो स्किप करके ना देखें, हो सकता है कुछ मेन बातें आपको छूट जाए। तो बात करते हैं इसके अच्छाई की। देखिए इसमें प्रोटीन, कैलोरी, मॉइस्चर, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है और इसमें विटामिन B12, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन सी, ये सब विटामिन्स पाया जाता है और इसके अंदर जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। प्रोटीन इसमें 0 होता है, कैलोरी इसमें 400 ग्राम के आसपास होता है, मॉइस्चर 4 ग्राम होता है, वसा 0 होता है और मिनरल्स, ये बकरियों के लिए मिनरल्स 1 ग्राम। अगर आप अपनी बकरी को गुड़ खिलाते हैं, जैसे कि 100 ग्राम आपने गुड़ खिलाया तो बकरी के अंदर 1 ग्राम मिनरल जाएगा, वो भी प्योर शुद्ध नेचुरल एकदम बढ़िया 1 ग्राम मिनरल जाएगा। और फाइबर, फाइबर भी 1 ग्राम जाएगा। तो बकरियों के लिए मिनरल और फाइबर बहुत ही फायदेमंद है। और कार्बोहाइड्रेट इसमें है कैल्शियम, कैल्शियम 80 ग्राम है, जैसे कि 100 ग्राम में कैल्शियम 80 ग्राम है। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके बकरियों को खिलाना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसके परिणाम अच्छे हैं तो कहीं दुष्परिणाम भी है। और फास्फोरस 40 ग्राम है और आयरन 3 ग्राम है, जबकि बकरियों के लिए आयरन बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि आयरन हमें खाना चाहिए, आयरन हमारे लिए फायदेमंद है, वैसे बकरियों के लिए भी आयरन बहुत ही फायदेमंद है। और इसके अंदर जिंक और एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी पाया जाता है जो कि बकरियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और विटामिन B12 और विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये बकरियों के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है जो गुड़। और दोस्तों बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी खूबी की। सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी बकरियों के लिए कब काम करता है ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो आज जान लीजिए। बकरी को विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है और कब, जब आप बाहर से बकरी खरीद करके लाते हैं, बकरी को ट्रेन से या अपने फोर व्हीलर से या बस से या कैसे भी सफ़र करा के लेके आते हैं, उस टाइम बकरी आपकी थक जाती है और बकरी स्ट्रेस में चली जाती है। उस टाइम अगर आप बकरी को गुड़ नहीं खिलाते हैं तो वहीं से बकरियां बीमार होना शुरू हो जाती हैं और उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी बीमारियां आती है और ये बीमारी धीरे 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 PPR में तब्दील हो जाता है और आपकी बकरी मर जाती है और आप बकरी को बचा नहीं पाते हैं। अगर आपको नॉलेज है और जानकारी है ट्रीटमेंट करने का और दवा का तो आप बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत नुकसान हो जाता है। सारी बकरियाँ जो है कि नहीं बचती हैं, अगर बच भी जाती हैं तो बकरी इतनी कमज़ोर, इतनी दुबली पतली हो जाती है कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों जब भी बकरी आप बाहर से परचेस करें, सफ़र करके लेके आए बकरी को, तो गुड़ का पानी, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं, जो मुर्गी फार्मिंग करते हैं, जैसे ही चूजा फार्म के अंदर जाता है, चूजा का सारा व्यवस्था करने के बाद वो लोग चूजे को फर्स्ट गुड़ और पानी दिया जाता है। 2 घंटे 4 घंटे के लिए गुड़ और पानी दिया जाता है ताकि चूजा जो हेरेसमेंट में गया है, जो थकावट है सफ़र में, वो उसका दूर हो सके और वो स्वस्थ रहे। तो दोस्तों गुड़ में विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। अब इतना सारा मैंने उसका खूबियाँ बता दिया, उसके फायदे बता दिए,
अब इसका दुष्परिणाम सुन लें, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। देखिए, मीठा गुड़ एक मीठा चीज़ है, बकरी मीठा जितना ही खाएगी, आप गुड़ खिला लो, शुगर खिला लो, चाहे और भी कोई स्वीट मिठाई खिला लो, बकरी गुड़ जितना खाएगी उसके पेट में वार्म बनेगा। मीठा हमारे पेट में जाए या बकरी के पेट में जाए, कोई भी मीठा जो हमारे पेट के अंदर वार्म होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कहा कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है और अच्छाई के साथ साथ बुराई को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जब ज़रूरत पड़े तभी गुड़ खिलाएं। इतने सारे उसके फ़ायदे जान करके आप बकरी को रोज़ गुड़ ना खिलाएं, इसका परिणाम गलत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी बकरी सुस्त है या आप सफ़र से लेके आए हो तो उसको महीने में, या आपकी बकरी एकदम ठीक है आपके बाड़े पर, फार्म पर या चराई पर, जैसे भी आप रखते हैं, स्टॉल फिट पर रखते हैं, बकरी एकदम ठीक है, फिर भी उसको महीने में 2 से 4 बार गुड़ बहुत ही हल्का, जैसे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, छोटी ब्रीड है तो 25 से 30 ग्राम, बड़ी ब्रीड है तो 50 ग्राम, मतलब महीने में 3-4 बार देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब सारी चीज़ें जो है कि बकरी को मिल जाता है, जब बकरी को मिल जाता है तो बकरी स्वस्थ और मस्त रहती है। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बकरी को गुड़ से भरा गुड़कारी गुड़ देने के फायदे और नुकसान। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।